कोतवाली सदर की संकटा देवी पुलिस चौकी क्षेत्र से अपराध छात्रा का 5 दिन के बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई। जबकि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए संकटा देवी पुलिस चौकी के दरोगा हरिदास चौरसिया ने अपराध छात्रा के परिजनों से ही बसलूकी कर खाकी को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरोगा की बसलूकी से आहत पीड़ित परिवार ने कोतवाली पहुंचकर अपना दर्द बयां किया। कोतवाल के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। जानकारी के मुताबिक शहर के मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार की एक नाबालिग छात्रा 29 मई की सुबह 9 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद परिजनों को पता चला कि छात्रा को मोहल्ले के एक युवक ने अपहरण करके ले गया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अपहरणकर्ता के साथी लगातार उसके परिवार को धमकी दे रहे हैं, लेकिन सूचना के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उल्टा चौकी का दरोगा उनके साथ बदसलूकी कर रहा है। कोतवाल अशोक कुमार पांडे ने पीड़ित परिवार से बातचीत की तथा उनकी बेटी को जल्द ही जल्द बरामद करने का आश्वासन भी दिया। शहर कोतवाल अशोक कुमार पांडे ने बताया कि छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है तथा उसकी तलाश जारी है और जल्द ही छात्रा को बरामद कर लिया जाएगा। दरोगा कह रहे हैं कि जो है तुम पागल हो गई हो। नाम पता है दरोगा का? हरिदास चौरसिया। क्या कह रहे हैं आपसे? हमसे कहते तुम पागल हो गए तो हम क्या पागल तो हम हो जाएंगे ही। 3 दिन नाबालिग लड़की 14 साल की लड़की कोई बड़ी तो है नाबालिग तो है ना जो अपने मन से चली गई है। उसके बाद में हमारा भैया सन है, भैया के लिए ऊपर थप्पड़ उठावती हूँ और जब भैया